आज मैं भगवान बुद्ध से जुड़े एक ऐसे स्थल का जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह बोधगया मुख्य मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक स्थान है जो डुंगेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली रही है। आप इस स्थान पर अगर आते हैं, यह स्थान बहुत ही पवित्र और तपस्या स्थली के रूप में जानी जाती है। जैसे ही डुंगेश्वरी पहुंचेंगे, वहां पर आपको एक मेडिटेशन सेंटर दिखाई देगा। यहां पर ध्यान की क्रिया सिखाई जाती है। इस ध्यान की क्रिया में यह सिखाने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में ब्रह्म है और स्वयं में ही ईश्वर है। उनका दर्शन करवाने का आत्मचिंतन करने की शक्ति प्रदान की जाती है। जो भी यहाँ साधक आते हैं, उनकी तपस्या बहुत ही आसानी से यहाँ पर लग पाती है। वो बहुत ही आसानी से साधना में निपुण होने लगते हैं। इस तपस स्थली का मैं जो भी वर्णन करूँ, वह वर्णन वास्तव में कम जाएगा। इस महाबोधि विहार में आप देखेंगे भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कुछ आराम की मुद्रा में तो कुछ तपस्या की मुद्रा में। साथ ही यहाँ पर इनके अनुयायियों को भी दर्शाया गया है। यह बोधि विहार अपने आप में बहुत ही सुंदर और शांत चित्त कर देने वाला है। यदि आपको मौका मिले तो 10 दिन का कोर्स यहाँ पर जरूर करें। आप अपने आप में अभूतपूर्व परिवर्तन पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम उस स्थान पर पहुँच रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने पिछले 5 साल तक लगातार यहाँ पर तपस्या किए थे, एक गुफा में बैठकर। यह डुंगेश्वरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह डुंगेश्वरी पहाड़ के रूप में जाना जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सुगम रास्ते बनाए गए हैं। इन सुगम रास्तों पर आप प्रारंभ में एक भगवान बुद्ध का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं क्या संदेश छपा है। पढ़िए, यह बुद्ध की वाणी वास्तव में अतुलनीय है। जो इसका पालन करेंगे, जो इसका ध्यान करेंगे, वह वास्तव में बहुत ही आनंद का जीवन यापन करेंगे और काफी समृद्ध उनके पास होगी। बौद्ध भिक्षु और साधक लोग अपनी पूर्ण भक्ति और आस्था के साथ इस गुफा के दर्शन करने हेतु जा रहे हैं। आप भी इन्हें देख सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग जाते हैं और जो भी इच्छाएं रखते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति होती है। उनका मन शांत होता है, सुख की प्राप्ति होती है, मन की चंचलता दूर होती है और प्रेम, करुणा, दया उनके भीतर सहज ही प्रवेश करने लगता है। इस पहाड़ी पर चढ़ने का बहुत ही सरल रास्ता बनाया गया है, जिसे आसानी से आप भी जा सकते हैं। अब मैं उस स्थान को दिखाने जा रहा हूँ जो जिस स्थान पर भगवान बुद्ध पहाड़ की गुफा में अंदर बैठकर साधना किए थे। इसका मुख काफी छोटा है, आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति झुककर उसमें उस गुफा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। यह गुफा आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि पूर्णतः एक बड़े चट्टान में अवस्थित है। इसके बगल में बौद्ध श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बहुत ही सुंदर, अनुपम और मनमोहक भगवान बुद्ध की यहाँ पर लोग बैठ कर के ध्यान लगाने का प्रयास भी करते हैं। अब जरा इस स्थान